Hello children, today we are doing chapter 7, Microsoft PowerPoint. So, what is Microsoft PowerPoint? PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. किसने develop किया है? Microsoft ने develop किया है, ये presentation program है. And a PowerPoint presentation is also known as slideshow. इसको क्या भी कहते हैं? Slideshow. One page of your presentation is called slide. एक पेज है तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइड. एंड ग्रुप ऑफ पेजेस ऑन एनी वन टॉपिक इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन. एक पेज है तो स्लाइड होता है, अदरवाइज बहुत सारे स्लाइड्स मिलके एक प्रेजेंटेशन बनता है. एक टॉपिक के ऊपर हम बनाता है ना, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन. नाउ स्टार्टिंग पावर पॉइंट. दीज स्टेप्स आर इन माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी विंडोज 7. And in Windows 10, how will you start PowerPoint? Just type here PowerPoint. देखो PowerPoint type करने से देख Microsoft PowerPoint 2010 तो click here. Click करने से open करके आएगा. ये है Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Now PowerPoint window open हो गया. अब which are the with the help of several items displayed in the PowerPoint window you can perform your tasks efficiently. अब कौन सा है इसका parts? Quick Access Toolbar. Microsoft PowerPoint में ही देखेंगे हम. क्यूक एक्सेस टूल बार, ये है क्यूक एक्सेस टूल बार. देन टाइटल बार, ये है टाइटल बार. प्रेजेंटेशन लिखा है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये है टाइटल बार. देन फाइल टैब, ये है फाइल टैब. आउटलाइन एंड स्लाइड टैब, ये है आउटलाइन एंड स्लाइड टैब. आउटलाइन एंड स्लाइड टैब. एंड स्प्लिटर बार, दिस इज स्प्लिटर बार. ये है स्प्लिटर बार. एंड दिस इज स्लाइड पेन. दिस इज नोट पेन. यू कैन क्लिक क्लिक टू एड नोट्स हियर. एंड स्टेटस बार, दिस इज स्टेटस बार. ये है स्टेटस बार. स्लाइड वन लिखा हुआ है, दिस इज स्टेटस बार. देन व्यू बटन्स, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये है व्यू बटन्स. नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो, ये है व्यूज बटन्स. देन टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यहाँ पे टेक्स्ट आप राइट, यू कैन एंटर टेक्स्ट हियर. दिस इज टेक्स्ट प्लेस होल्डर. एंड रिबन, ये है रिबन. रिबन एंड विंडो कंट्रोल बटन्स, ये है विंडो कंट्रोल बटन्स. मिनिमाइज, कॉपी एंड क्लोज विंडो कंट्रोल बटन्स. ओके, दीज आर द पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद अ डिजाइन थीम. हाउ विल यू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद डिजाइन थीम? इसके लिए क्या स्टेप्स दिया हुआ है यहाँ पे. यू कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डिजाइन थीम यूजिंग द डिजाइन टैब ऑन द रिबन. ये रिबन में डिजाइन टैब है, उसमें क्लिक करके आप जो डिजाइन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं. इसके लिए क्लिक ऑन द डिजाइन टैब ऑन द रिबन. सी विल सी हियर, क्लिक ऑन द design tab on the ribbon. Design tab, you can see here, design tab. इसमें क्लिक करना है. Design tab में क्लिक करो. Okay, design tab में क्लिक किया. Then click on any theme with your mouse. Click on any one theme. कोई भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से आप क्लिक कर सकते हैं. देखो मैंने, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये क्लिक किया. क्लिक ऑन एनी थीम विथ योर माउस. माउस रख के आप क्लिक करना है.
जो थीम आपको अच्छा लगा उसमें क्या करना है, माउस रख के क्लिक करना है. यस ओके. यू कैन थीम, द थीम इज अप्लाई टू स्लाइड वन. देखो ये स्लाइड वन में अप्लाई होके आ गया. When the theme is applied to the slide, you can start adding the text. अब आप text add कर सकते हैं इसमें. Okay, this is in this way you can create a blank presentation with design theme. Next, creating the title slide. PowerPoint assumes that every new slide has a title. Any text typed after a new slide display becomes title. Text in the title text placeholder. इसमें एक टाइटल देना होता है. ओके कोई भी आप कोई भी स्लाइड बनाते वक्त आपको क्या देना चाहिए, उसमें एक टाइटल भी देना है. ओके इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर. यह है टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर, उसमें क्लिक करना है. यस क्लिक करने से क्या, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, देन टाइप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट प्लेस. इसमें क्लिक करके टाइप करना, सिंपल. मैं आई एम टाइपिंग हियर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. इंट्रोडक्शन टू, यस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, दिस इज माई टाइटल. देन द टेक्स्ट, द टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड टैब. इसमें भी आपको दिखेगा जो भी टाइप किया आपको, ये इधर भी दिखेगा और ये साइड में भी, स्लाइड में भी दिखेगा. ओके नाउ एंटरिंग टेक्स्ट इन सब टाइटल. अब ये है सब टाइटल, इसमें एंटर कैसे करना है, सेम वे क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, इसमें क्लिक करना है एंड देन टाइप योर टेक्स्ट इन द सब टाइटल नेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स, इसमें आप टाइप करना है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. आई एम ऑल्सो टाइपिंग बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. दिस इज माई सब टाइटल. Now the subtitle text is displayed on the subtitle text placeholder and in the slide tab. ये subtitle यहाँ पे type करने से यहाँ पे भी आपको दिखेगा and slide tab में भी आपको ये दिखेगा. Okay. Now adding a new, next is now adding a new slide to a presentation. How will you add a new slide? एक slide तो पहले से खुल के आता है, अब दूसरा slide आप new slide आप कैसे खुलेगा. Okay, इसके लिए क्या करना है, click on home tab on the ribbon. Okay, click on home tab on the ribbon. ribbon में से home tab में click करना and then क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन. ये है न्यू स्लाइड बटन, उसमें क्लिक करना है. यस एक और स्लाइड खुल के आएगा, न्यू स्लाइड बटन में खुलने से एक और स्लाइड खुल के आएगा. नाउ एडिंग टेक्स्ट टू स्लाइड टू. अब इसमें स्लाइड टू में कैसे ऐड करेगा, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स एंड टाइप योर टेक्स्ट. सेम वे पहले जो आपने इसमें टाइप किया ना, सेम वे इसमें क्लिक करना है एंड एंटर द एंड टाइप करना है. बस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आई एम टाइपिंग हियर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर,
types of computer. Okay, now click on the subtitle text placeholder box and type your text. Up title ho gaya. Next is subtitle text. A bullet appears beside your text. इसमें टाइप करने के बाद एक देखो यहाँ पे एक बुलेट दिख रहा है ना आपको, है ना? बुलेट appears beside your text when you press the enter key. A new bullet appears in the next line. इसमें टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करने से दूसरा बुलेट की यहाँ पे दिखेगा आपको. ओके इस तरह आप कंप्लीट योर रिमेनिंग टेक्स्ट एज यू डिड इन योर अर्लियर स्टेप्स. पहले जो इसमें टाइप किया है वैसे आप यहाँ पे भी टाइप करना है. जो भी आपको टाइप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसमें लिख रही हूँ मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैप. अब एंटर की प्रेस करने से देखो लैपटॉप कंप्यूटर्स. लैपटॉप कंप्यूटर्स आप इस टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करने से एक और बुलेट एंड मिनी कंप्यूटर्स. ओके नाउ तो इस तरह आप इसमें सब टाइटल बार में भी आप टाइप कर सकते हैं. जो भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं आपको ये यहाँ पे भी दिखेगा, स्लाइड में भी दिखेगा. नाउ चेंजिंग द नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्लाइड लेआउट. यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड एनी टाइम टू इंक्लूड अ बुलेटेड टेक्स्ट और यूज वन ऑफ द कंटेंट लेआउट्स ऑफ पावर पॉइंट. आप इसका पावर पॉइंट का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं. इसके टाइप करने से पहले आपका स्लाइड का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं. उसमें कौन सा स्टेप्स है? डिस्प्ले द स्लाइड दैट यू वांट टू चेंज. क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. ओके वी विल सी हियर. ये इसी में मुझे चेंज करना है. क्लिक ऑन होम टैब. यस होम टैब में क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन लेआउट बटन. क्लिक ऑन लेआउट बटन. ये है लेआउट बटन. इसमें देखो लेआउट बटन में क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड लेआउट. अब इसी में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके बहुत सारे लेआउट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसी में से आप कुछ कोई भी. ये देखो ब्लैंक में इसमें कुछ भी नहीं है, टाइटल ना कुछ भी. तो इसमें इसी तरह भी जो आपको चाहिए अपना स्लाइड किस तरह का चाहिए आप अकॉर्डिंगली आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं. एडिंग ए क्लिप आर्ट इमेज. आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें? इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? डिस्प्ले द स्लाइड इन द इन विच यू वांट टू ऐड अ क्लिप आर्ट. इसमें मुझे क्लिप आर्ट ऐड करना है तो मैं क्या करना है? तो चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू द वन दैट इंक्लूड्स अ प्लेस होल्डर फॉर ए क्लिप आर्ट इमेज. ये इसमें क्लिप आर्ट इमेज ऐड करने के लिए इसमें स्पेस भी चाहिए. सपोज मैं इसमें करना है तो ओके सपोज इस स्लाइड टू में मुझे इमेज ऐड करना है तो ये देखो इसमें जगह है. देन क्लिक ऑन ए क्लिप आर्ट आइकन टू ऐड ए क्लिप आर्ट इमेज. इसमें ऐड करना है तो क्लिप आर्ट आइकन होना चाहिए, उसमें क्लिक करना है. ये है क्लिप आर्ट आइकन, इसमें क्लिक करना है. तो क्लिक करने से क्या होता है? क्लिप आर्ट टास्क पेन अपीयर्स. ये है क्लिप आर्ट टास्क पेन.
टाइप अ कीवर्ड और फ्रेज टू द टू टाइप आर्ट. इसमें आप क्या करना है, सिंपली टाइप करना है. इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है, गो. गो में क्लिक करने से बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. उसमें कैसे सेलेक्ट करेगा, नहीं, क्लिक ऑन गो, इसमें टाइप करके इसमें गो में क्लिक करना है, देन यू विल गेट द डिजायर्ड पिक्चर्स. मैंने कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर लिखा है, इसलिए कंप्यूटर का इमेजेस आप इधर मिलेगा. देन क्या करना है, यू कैन यूज द स्क्रोल बार टू सी. इसमें स्क्रोल करके आपको और नीचे ले सकते हैं. इसमें से आप जो भी इमेज चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट टू क्लिप आर्ट इमेज टू एड इट इन द स्लाइड. अब जो मुझे ये वाला पिक्चर सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करना है, उसमें क्लिक करना है. इसमें माउस रख के क्लिक करने से ये यहाँ पे आएगा, क्लिप आर्ट का जगह में ये आएगा, है ना. यू कैन रिसाइज और मूव द क्लिप आर्ट. इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिसाइज भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, छोटा, और इसको मूव भी कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द पेन. इसका जो पिक्चर आपने सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये क्लोज बटन यहां पे है ना, ये क्लोज क्लिक करने से क्लोज हो जाता है. नाउ क्लिप आर्ट का पिक्चर ऐड किया. नाउ एडिंग अ पिक्चर इमेज. अ पिक्चर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी एडेड टू द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. फॉलोइंग आर द स्टेप्स. आपका कंप्यूटर में से भी आप सेव करके रखा होगा कोई भी पिक्चर्स, वो पिक्चर आप कैसे इसमें डालेगा. डिस्प्ले द स्लाइड इन विच You wanted to add a picture. इस स्लाइड में मुझे न्यू वाला स्लाइड में, नया वाला स्लाइड 3 में मुझे पिक्चर ऐड करना है, इसलिए मैंने ये डिस्प्ले किया. देन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू वन दैट इंक्लूड्स अ प्लेस होल्डर फॉर अ पिक्चर. इसका पिक्चर का प्लेस होल्डर का जगह है, इसलिए वो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया. देन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, क्लिक ऑन पिक्चर आइकॉन टू ऐड अ पिक्चर टू द स्लाइड. ये है पिक्चर आइकॉन, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, उसमें क्लिक करना है. देन द इंसर्टेड पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर. इसमें से आप सेलेक्ट करना है तो डाउनलोड्स में देखती हूँ मैं. यस, एक पिक्चर मुझे मिला है, देन उसमें क्लिक करना है एंड देन इंसर्ट में क्लिक करना है. यस, इंसर्ट में क्लिक करने से वो पिक्चर यहाँ पे, क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू ऐड टू द स्लाइड एंड क्लिक ऑन इंसर्ट टू ऐड द पिक्चर टू द स्लाइड. द पिक्चर इज इंसर्टेड एंड पिक्चर टूल्स अपीयर ऑन द फॉर्मेट टैब. पिक्चर यहाँ पे आ गया एंड पिक्चर टूल ऑल्सो. आप ये बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं, और आप इसको एक जगह से मूव भी कर सकते हैं, है ना. ये है, व्हाट इज दिस, प्रिंटर. आई एम गिविंग द टाइटल प्रिंटर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिंटर. इन दिस वे यू कैन ऐड पिक्चर्स टू द स्लाइड फ्रॉम योर कंप्यूटर. कंप्यूटर में सेव करके रखा वाला पिक्चर आप अपना स्लाइड में ले सकते हैं. Now adding border to the image. Border कैसे आपका पिक्चर में border ऐड करेगा. You can add border to the image to make it stand out. Borders in PowerPoint are simply lines placed around images. तो okay, तो वो कैसे करेगा. First right click on the image. कौन सा image में आपको चाहिए, उस image में आप right click करना है. देन
राइट क्लिक ऑन द इमेज, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पिक्चर, ये है क्लिक ऑन फॉर्मेट पिक्चर। नीचे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंड देन क्लिक ऑन लाइन कलर, क्लिक ऑन लाइन कलर, देन क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑप्शन ऑफ सॉलिड लाइन, ये है सॉलिड लाइन सेकेंड वाला, सॉलिड लाइन में क्लिक किया, देन क्लिक ऑन द कलर मेन्यू बटन, क्लिक ऑन द कलर मेन्यू बटन एंड क्लिक ऑन द कलर यू वांट टू यूज फॉर द बॉर्डर। आपका बॉर्डर के लिए कौन सा कलर आपने चाहिए वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन लाइन स्टाइल, क्लिक ऑन लाइन स्टाइल में क्लिक करना है एंड देन यूजिंग द अप एंड डाउन बटन सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, यूजिंग द अप एंड डाउन बटन यू कैन सेट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। तो मोटा करना है तो ऊपर की तरफ क्लिक करना है, ओके, देन देन क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज में क्लिक करना, यस बॉर्डर आ गया ना, ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया है इसलिए ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया, तो तब सुंदर लग रहा है ना पहले से, यस। नेक्स्ट इज बॉर्डर हो गया, नेक्स्ट इज एडिंग सॉलिड कलर ग्रेडियंट टेक्सचर, सॉरी ग्रेडियंट टेक्सचर और कस्टम इमेज इन बैकग्राउंड, बाय इंसर्टिंग ए सॉलिड कलर ग्रेडियंट टेक्सचर और कस्टम इमेज टू द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड यू कैन क्रिएट ए प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन, इट कैन ग्रेटली एनहेंस द लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन का लुक बढ़ाने के लिए आप वो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन से आप वो ले सकते हैं। इसके लिए पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब में मैंने क्लिक किया एंड क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल्स, डिज़ाइन टैब में क्लिक किया, क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल्स, ये है क्लिक ऑन बैकग्राउंड स्टाइल्स, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये है फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, देन क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑप्शन ऑफ सॉलिड फिल, सॉलिड फिल में क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द कलर बटन टू ओपन द कलर पैलेट, कलर बटन ऑफ क्लिक करना है एंड देन उसमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, क्लिक ऑन देन सेलेक्ट द कलर यू वांट टू अप्लाई एज अ बैकग्राउंड, इसमें से कोई भी कलर आप सेलेक्ट करना एंड देन आप सेलेक्ट करने से आपको यहाँ पे अप्लाई करके आएगा, अगर आप चेंज करना चाहिए तो फिर आप इसमें क्लिक करने से वो कलर है ना इजीली आप यू कैन चेंज द कलर, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करने से क्या होता है तीनों में वही कलर आएगा, ओके, अप्लाई टू ऑल में क्लिक करने से क्या होता है यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई सॉलिड कलर ऑन ऑल द स्लाइड्स, अप्लाई टू ऑल ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करने से क्या होता है और तीनों स्लाइड में आपका अप्लाई करके आएगा, ओके, द कलर सेलेक्टेड बाय यू इज अप्लाइड ऑन द करंट स्लाइड, इसमें आएगा करंट स्लाइड में भी और तीनों स्लाइड में भी, सारे स्लाइड में कलर अप्लाई किया है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट कलर सेम वे ये भी इजिली यू कैन चेंज डिजाइन टैब, देन फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टाइल एंड अभी क्या करना है ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल में क्लिक करना है, देखो ग्रेडियंट कलर आया,
देन कलर में क्लिक करने से जो भी आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन द प्रेजेंट कलर्स बटन ऑन द ग्रेडियंट पैटर्न। प्रेजेंट कलर प्रेजेंट कलर्स में इसमें देखो, इसमें प्रेजेंट कलर्स क्लिक ऑन द प्रेजेंट कलर्स बटन टू ओपन ग्रेडियंट पैटर्न। प्रेजेंट ओके, सेलेक्ट द पैटर्न यू वांट टू अप्लाई एस ए बैकग्राउंड। इसके बाद आप सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन टू बटन ऑफ टाइप। क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन ऑफ टाइप। इसमें भी आप अलग तरह की चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चेंजेस आप इसमें भी बना सकते हैं। देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रेडियंट पैटर्न। इसी तरह आप क्लिक करके कौन सा पैटर्न आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन अप्लाई टू ऑल। क्लिक ऑन द एरो बटन ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन का इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, डायरेक्शन का ये काम नहीं कर रहा मेरा। देन आफ्टर सेलेक्टिंग यू कैन क्लोज द, क्लिक ऑन क्लोज। ओके, अप्लाई टू ऑल में क्लिक करके फिर क्लिक ऑन क्लोज, जो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया ग्रेडियंट। देन नेक्स्ट इज टेक्सचर्ड। नेक्स्ट इज टेक्सचर्ड फिल कलर। रिपीट स्टेप्स 1, 2, 3 ऑफ द प्रीवियस सेशन टू ब्रिंग फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। ओके, डिजाइन बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स एंड देन क्या करना है, क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑप्शन ऑफ पिक्चर और टेक्सचर फिल। पिक्चर और टेक्सचर फिल में क्लिक करना है एंड देन ये देखो, टेक्सचर में क्लिक करो। क्लिक ऑन द टेक्सचर बटन टू ओपन लिस्ट ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर में क्लिक करने से लिस्ट ऑफ टेक्सचर खुल के आएगा, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन द टेक्सचर बटन टू ओपन अ लिस्ट ऑफ टेक्सचर। सेलेक्ट द टेक्सचर यू वांट टू अप्लाई, इसमें क्लिक करना है एंड आप इसमें से जो भी टेक्सचर आपको चाहिए वो सेलेक्ट करना एंड देन क्लिक ऑन क्लोज बटन टू अप्लाई टेक्सचर फिल ऑन द करंट स्लाइड। क्लोज बटन क्लिक करने से ये करंट स्लाइड में आएगा, अप्लाई ऑल टू ऑल करने से सारे स्लाइड में आएगा। क्लोज कर रही हूँ मैं नाउ।